एक एग्जीबिशन में हम लोग सामान बेच रहे थे मैं तभी प्रेगनेंट थी सिक्स मंथ्स प्रेगनेंट थी मैं कोई कस्टमर को मैं कुछ साड़ी उतार के मैंने ऐसे बस बिकॉज बहुत भीड़ होती है सूता स्टॉल में तो मैंने साड़ी ऐसे उछाल के साथ फेंका फा एंड मुझे लगा बहुत गर्मी तो लग रही है पर तो मुझे लगा बिकॉज आई एम प्रेगनेंट आई एम फीलिंग हॉल मेरी जो स्टॉल थी उसमें आग लग गई चुकी थी एंड वो पूरा ऑरेंज ऊँची आग हमारा स्टॉक जो है मेरे आँखों के सामने लिटरली जल गया हाय मेरा नाम है सुजाता विश्वास और मैं सूता की को फाउंडर हूँ सूता एक आठ साल पुराना ब्रांड है एंड uh, मैंने और मेरी बहन ने इसे शुरू किया था आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट में बिकॉज मैं फ़ोटो शूट में होती हूँ मेरी बहन होती है शूट में uh, वो भी हमने शुरुआत इसीलिए की थी बिकॉज़ वहाँ पे भी हमें लगा कि बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है फ़ोटोशूट तो खुद ही घर पे कर लें और uh, मेरी बहन ने फोटोग्राफी सीखी हुई थी और उसने कहा ठीक है अभी हेडलेस फोटोज़ लगा देते हैं हम तुम्हारी और इस तरह से हमने शुरुआत की थी हमारे uh, सू, uh, सूता पेज की एंड बट uh, पहले की बात कि सूता हमने शुरुआत की क्यों यू you नो know, ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें करना है एक तो ये था कि हमें इम्पैक्ट करना है बट ये इम्पैक्ट का आइडिया कहाँ से आया ये आया आइडिया बिकॉज हमारी बचपन में जब मेरे डैड uh, in, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन के हमने हमारी हम ओडिशा में आए थे uh, और वहाँ पे हर छुट्टियों में बिकॉज uh, पैसे की तंगी फॉम इन मिडिल क्लास फैमिली तो हमें आ, हर आसपास के गांव में लेके जाते थे बिकॉज रेलवेज़ में थे डैड और तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा कि ठीक है रेलवे आज आज ये गाँव जाएँगे कल वो गाँव जाएंगे और जब हम लोग तो गाँव में जब ट्रैवल करते थे वहाँ पे वीविंग कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉग थी उड़ीसा में सो so, टांगी एक विलेज था संबलपुर गए थे हम लोग तो ऐसे बहुत सारे विलेजेस आई थिंक महीने में एक विलेज तो हम जाते ही थे तो वहाँ पर हमने वीविंग देखी तो हमें यह पता था कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्किल सेट है बिकॉज हम ना आ, पास में खड़े होकर देखते थे कि बुनाई कैसे करते हैं तो कपड़ा कैसे होता है वो इतना सुंदर होता है तो हमें पहले से ही वो पता था कि ये, किसी ने इतना प्यार से बैठ बैठ के पूरी फैमिली मिलके वो हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आसपास खेल रहे हैं खाना खिला रहे हैं और वीविंग कर रहे हैं तो वो जो जो वो वीव जो होता है ना वो अगर ये साड़ी की वीव उसमें ना बहुत सारा वॉर्म आ जाता है ऑलरेडी बिकॉज वो तो ना बहुत प्यार से सब लोग फैमिली मिल बना रहे हैं तो वो हमने बचपन से वो सीखा था और हमारी माँ क्या करती थी वो खरीद लेती थी वो प्रोडक्ट्स वहाँ से फैब्रिक के टुकड़े और वो घर आके हमें ना बहुत स्टोरीज़ बनाती थी उसके चारों तरफ जैसे आज हम हाथ में एक पिंक लगाएंगे और हम और मेरी मम्मी खुद ही स्टिच करती थी बिकॉज हमें बाहर शॉपिंग नहीं करना था बिकॉज पैसे बचाने थे हमें तो हमें वो फील नहीं होने दिया हमें लगता था कि बहुत बड़ा हम हम लोग का लाइफ सबसे स्पेशल है तो हम जब स्कूल में भी जाते थे बोलते थे पता ना हमने ऐसे ऐसे काम किए ऐसे हमने हमने अपना प्रिंसेस ड्रेस खुद बनाया हमने प्लानिंग ऐसे की तो आप जब सूता वेबसाइट पे भी जाएंगे ना आपको लगता होगा कि सूता में इतनी स्टोरीज़ क्यों है यू you नो know, हर प्रोडक्ट के बीच हमने बहुत बहुत ही सोच समझ के हमने वो प्रोडक्ट के बारे में लिखा है किसने बनाया कहाँ पे बना है किस तरह का वीव है बिकॉज हमें लगता है जब आपको कोई आ, कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं ना अगर उसकी स्टोरी आपको पता होती है तो आप उतना ही ज़्यादा प्यार से उसे अपने पास रखेंगे तो हमें हमें चाहिए बिकॉज़ कि ये इतना अगर अच्छे से बना है इतना मेहनत लगा है उस पर तो आप Uh, सालों साल अपने पास रखें आप पास ऑन करें अपने नेक्स्ट जनरेशन को uh, और साड़ियाँ होती भी ऐसी है right? राइट ना साइज़ uh, आप uh, किसी को भी गिफ्ट करें किसी से भी एक्सचेंज करें सो ये आइडिया था हमारा शुरुआत करने का कि uh, साड़ी के साथ हमेशा स्टोरी भेजिए एंड जो हमने प्यार से बनाया वो प्यार लोगों तक भी पहुंचे तो हमारा दो रीज़न था शुरू करने का एक अपने हमने बोला इम्पैक्ट और सेकंड बिगेस्ट रीज़न की हम लोग साड़ी को वापस आ, लोगों के लाइफ में लेके आए सो हमें चाहिए था कि हम लोग रिवोल्यूशनइज़ करें साड़ी को आ, एक नई पहचान दे उसे कि यंगस्टर्स वापस साड़ी ख़रीदे और ये ना बोले कि अच्छा मम्मी की साड़ी बौरव कर लेती हूँ तो आ, अभी अगर आप सूता वेबसाइट पर जाएंगे और हम देखेंगे कि हमने एक प्रोडक्ट को लिया और हमने उसके चारों तरफ ऐसा इको बनाया जिसमें कोई भी अगर सूता वेबसाइट पे आता है उसे सूता साड़ीज़ एंड ब्लाउज़ एंड पेटीकोट विथ फॉल एंड एजिंग सब मिल जाए सो दैट वाज द रीज़न वी स्टार्टेड बट हमारा जो जर्नी था इनिशियली इफ आई से 2014-15-16 तब की जर्नी की बात बोल रही हूँ कि हमने कितने डिफ़िकल्टी से शुरू किया था बिकॉज हमारी जो हम जॉब कर रहे थे एंड हमारे पास एजुकेशन लोन था और हमने छः लाख रुपए से शुरुआत की थी एंड uh, मेरी बहन का थ्री लैक्स मेरा थ्री लैक्स एंड हम लिटरली हमने दोनों ने मिलकर सब कुछ किया आई थिंक स्मॉल बिजनेसेस ऐसे ही काम करते हैं राइट right? एक एम्प्लॉई को हमने हायर किया हमारे साथ दो वीवर्स थे और uh, हमने इस तरह से शुरुआत की uh, जहाँ एक टाइम ऐसा था कि हमें पता नहीं था कि सही डायरेक्शन है गलत डायरेक्शन है और हमने लिटरली फोटोशूट के टाइम पे किसी ने पर्दे ही मांगे तो हमने पर्दे भी बेच दिए मतलब अभी सुन के ऐसा लगता होगा कि क्या कर रहे थे तुम दोनों बिकॉज हमें लग रहा था कि यही एक चांस है कि अभी तुरंत हमें ये प्रूफ करना है ये इसके बाद हम लोग शायद वापस अगर जॉब में चले गए और क्विट करके आए तो शायद ये मौका नहीं मिलेगा हमें तो किसी ने हमें बोला एक दिन आपका चेयर्स बहुत अच्छा हमने हमारे सोफा अच्छी है तो हमने बोला ये सेकंड हैंड है कहता तो नहीं नहीं हमें वो भी चाहिए तो मैं ताना को बोला कर लेते हैं ना अगर हो ही रहा है एक यू नो बिकॉज देर वज देर सो मच अनसर्टिनिटी राइट पता ही नहीं होता है क्या करना चाहिए एंड uh, uh, मैंने और मेरी बहन दोनों ने इंजीनियरिंग एंड एम की पढ़ाई की थी और बेसिक मैथ हमें समझ में आता था बिज़नेस का कि अगर हम इतना पैसा लगाएंगे हमें कितना पैसा मिलना चाहिए तो वो लॉजिक खाली वही लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं हर जगह पर एक एक स्टेप को हमने बहुत मेजर किया आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है अगर आपने इतना खर्चा किया हॉक की तरह से देखिए कि मतलब हमने कुछ कुछ कॉर्नर छोड़ा नहीं कि हमने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि अच्छा पैसा जाए जाए यहाँ पे हम कहीं और लगाएंगे नहीं हमने हर जगह हमने बहुत ही फ्रूगल uh, वे में हमने uh, जितना चादर है उतना ही पाव फैलाओ लिटरली हमने वही किया उसके बाद धीरे धीरे हमने टीम पे इन्वेस्ट करना शुरू किया आ, टीम सही मेंबर लेना इतना इंपॉर्टेंट है जब हमें एम पढ़ाते हैं या फिर कुछ भी पढ़ाई लिखाई कराते हैं राइट हमें कभी कभी कुछ कुछ सीखना वो लाइफ में ही मिलती है तो सबसे बड़ी सीख जो हमें मिली वो था कि आ, सब खुद नहीं कर सकते यू नो योर टीम योर फैमिली सबको आपको अलाइन करना पड़ता है एंड आपको हेल्प मांगना आना चाहिए कि ये पार्ट नहीं हो रहा है मुझसे ये मैं इसमें मैं कमज़ोर हूँ मुझे किसी और को लाना है जो लिटरली हमारा थर्ड व्हील बने देन फोर्थ व्हील बने एंड दैट्स हाउ वो धीरे धीरे फाउंडेशन के ऊपर स्टेप करते करते हमने एक एक साल बाद हमने धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा किया तो स्टार्ट जब हमने किया था हमारा एक बस फेसबुक पेज था और वहीं पर हम लोग फोटोशूट करके डालते थे दो तीन साल लग गए हमें ये समझने में कि वेबसाइट होना चाहिए एंड उसके बाद दो तीन साल लग गए हमें कि हमें मार्केट प्लेस में बेचना चाहिए फिर अभी हमने लास्ट ईयर हमने स्टोर्स खोला है सूता के और हमारे दस स्टोर्स हैं अभी सो so, ऐसा नहीं था कि हमने आपको लग रहा होगा कि वाह इतना अच्छा ग्राफ है बट देर वर सो मेनी प्लेसेस दैट जो गलती की आपको दिखे ना जितनी ऐसे भी टाइम था जो हमें लगा था कि अभी क्विट कर देना चाहिए बिकॉज पता नहीं आगे क्या होने वाला है आम टू थाउजेंड दिसंबर की बात है जब हम लोग uh, एक एग्जीबिशन में हम लोग अपना सामान बेच रहे थे जब हमारा एग्जीबिशन होता है बिकॉज छोटी टीम है पूरे परिवार आ जाते हैं मेरे कजेंस आ जाते हैं मम्मी कैश काउंटर में बैठ जाती है um, मेरे uh, पिताजी वुड बी लिटरली हेल्पिंग इन इन्वेंट्री बिकॉज इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग मैन एंड सो जब हम लोग इकट्ठा हो गए थे और मैं तभी प्रेग्नेंट थी सिक्स मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैं कोई कस्टमर को मैं कुछ साड़ी उतार के मैंने ऐसे बस बिकॉज बहुत भीड़ होती है सूता स्टॉल में तो मैंने साड़ी ऐसे उछाल के ऐसे फेंका तो शी सिंह फायर एंड मुझे लगा बहुत गर्मी तो लग रही है बट मुझे लगा बिकॉज आई एम प्रेगनेंट आई एम फीलिंग हॉट एंड देन आई फील लाइक आई सी ऑरेंज एवरीवेयर एंड लिटली माई बट स्टॉल हैड फाई और सो मेरी जो स्टॉल थी उसमें आग लग गई चुकी थी एंड वो पूरा ऑरेंज ऊँची uh, आग और मुझे दिख रहा था साड़ी में आग लग गई ब्लाउजेज ऊपर लटके थे उसमें आग लग गई मेरा फर्स्ट थाट था कि uh, अपना सेफ्टी आई रन आउट ऐसे सामने काउट कस्टमर सब भाग गए थे दूर बिकॉज सब चिल्लाने लग गए थे एकदम जोर से और वो उस टाइम पे सर बस बस मेरे मन में वो था कि नम हो गया था सब कुछ मैं जंप करके बाहर चली गई बट हमारा स्टॉक जो है मेरे आंखों के सामने लिटरली जल गया पिताजी ने थोड़ा बहुत सामान बचा लिया था और वो सामान हमने उस रात को जिस दिन आग लगी उस दिन इकट्ठा कर करके काट काट के हम वापस लेके गए घर सेवेंटी ऑफ ऑल आ स्टॉक ख़राब हो चुका था सो नेक्स्ट दिन हम उठे और हम लोग वही कर रहे थे कि कुछ बच गया तो उससे क्या बनाएँ एंड uh, महाराज तानिया ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड दोनों को पता चल गया था कि बहुत बुरा हो गया है हमारे साथ और यू you नो know, इसके बाद पता नहीं बिल्कुल पता नहीं क्या करना है और बोला नहीं एक दूसरे को कि वापस चले जाइए छोड़ दे बट दिख गया था हम दोनों को कि, um, कि हम दोनों डर चुके हैं बहुत बुरी तरह से सो दोजर वन दैट वॉज़ वन डे ऐसा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई जहाँ पे हमको चीट किया गया हमारे सामान पहुँचा नहीं सही टाइम पे तो ये इस तरह के हर्डल्स मतलब बहुत ज़्यादा आए आ, बट ए, हमारा गोल सही जगह पे था हमें लगा इम्पैक्ट करना है लाइफ हमारे वैसे इतनी फैमिलीज चल रही हैं और दूसरा कि हमारे कस्टमर्स में सूता के लिए बहुत प्यार है तो वो दो मोटिवेश मोटिवेटिंग फैक्टर्स था आ, हमारा टीम बहुत स्ट्रांग था तो हमने वापस आ, बिजनेस पे काम करना शुरू किया कभी भी कोई बिजनेस में ना आपको दिखेगा नहीं कि स्टोरीज़ में नहीं दिखेगा कि क्या हुआ है आपको दिखेगा कि वाओ ऐसे ग्राफ है या फिर थोड़ा ऐसे हो गया बट हर ग्राफ के पीछे इतनी सारी आ, फेलियर स्टोरीज रहते हैं इतने सारे सेटबैक्स um, रहते हैं कि आप यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फाउंडर टू क्रिएट ना करके टीम खुद ही आगे बढ़े ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है सो so, जब uh, मैंने और मेरी बहन ने uh, जब शुरुआत की थी तब हम लोग क्या करते थे हमारा खुद का अकाउंट में हम लोग हम लोगों ने कस्टमर uh, को बोलते थे हाँ ट्रांसफ़र करो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फाइनेंस मैनेज कैसे करना है अकाउंट्स कैसे करना है बट पहले साल में ही हमने काफ़ी सक्सेस देखा हमारा uh, ऑलमोस्ट चालीस लाख का रेवेन्यू बना था पहले साल और वो बहुत बड़ी बात थी बिकॉज हमने जस्ट छः छः सात लाख डाला था छः साढ़े छः लाख रुपए डाले थे तो वो हमारे लिए बड़ा सक्सेस था उसके बाद एवरी ईयर हमारा ग्रोथ ना बहुत फास्ट हुआ उसके बाद क्रोअर्स में गया नंबर मैं बताती हूँ हमारा स्केल जो बिजनेस को बड़ा करने का जो इच्छा कब कब एक्चुअली सबसे स्ट्रांग हुआ बिकॉज जब हमने शुरुआत की थी दो बहनें हमारे मन में ये था कि ये छोटा सा बिज़नेस रहेगा और हम लोग बहुत मेहनत करके ना इसको बहुत ही नीच बिजनेस छोटा सा बिजनेस बनाएंगे इसे सब प्यार करें खरीदे बट बड़ा करना ये आइडिया नहीं था हमने सोचा ठीक है दो तीन विलेजेस ले लेंगे उनके साथ काम करेंगे बट जैसे ये कोविड आया ना एकदम आई थिंक सबके लाइफ में एकदम बहुत ही ज़्यादा सबका लाइफ में बहुत चेंज हुआ मेंटेलिटी एंड हमने जो सोचा था माय लाइफ के बारे में ये करना है वैसे करना है सब बंद हो गया राइट एकदम हम लोग घर में अटक गए और आई थिंक तब चूली हम मुझे समझ में आया कि हम क्या करना चाहते हैं कैसे समझ में आया बिकॉज़ हम दोनों घर पे बैठे हैं हम दोनों बहनें एंड uh, हमें फ़ोन आता आ, आता था बीच बीच में वीवर्स से कि मैडम आज अगर आप आज अगर हमारा स्टॉक रह गया ना बिकॉज आप ऑर्डर uh, तो दिए हैं लेकिन हम शिप नहीं कर पा रहे अगर पैसा नहीं आया ना मैं मैं खाना नहीं खाऊंगा मैम हमारे बच्चे के पास खाना के भी पैसे नहीं है सो इमेजिन दैट ना वो एक लाइन से हमें पता चला कि uh, हम इधर बैठ गए हैं हमें लग रहा है ठीक है सब बंद हो गया है चुप बैठ सकते हो बट चुप बैठना इज़ नॉट एन आंसर जो बड़े नहीं होना इट्स नॉट एन ऑप्शन सो उस दिन हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे और ताना के पास कुछ पावर है वी हैव टू यूज इट इसका कोई और उपाय नहीं है कि आप बोल सके कि मैं मैं मेरे लाइफ में ऐसा हो गया और मैं मैं नहीं कर सकता हूँ मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ ये आ, ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास बड़ा ना होना कभी ऑप्शन नहीं होता बिजनेस के पास बिकॉज आपको इंक्रीमेंटली ना आपको बेटर करना होता है हर दिन तो उस दिन हमने क्या किया हमारा जितना भी रिजर्व फंड था उससे सारे वीवर्स जितने वीवर्स ने हमें फ़ोन किया था या उसके पहले हम जितने से काम करते थे उनके हमने ना कि ऑर्डर बंद किए हमने उनके पुराने स्टॉक भी ख़रीद लिए उन्होंने शिप नहीं किया ऑफकोर्स बट उन्होंने रख दिया अलग से कि सूता ने और हमने उनको पैसा दे दिया आम, इस तरह से उस टाइम पे हम लोग अठारह करोड़ से अठारह से हमने थर्टी थ्री तैंतीस करोड़ किया सो बिगेस्ट जंप फॉर अस वाज कोविड बिकॉज हमें उस दिन ये पता चला कि स्पाइडरमैन का डायलॉग ना विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो हमने उस दिन जाना कि अगर भगवान ने मेरे को तान्या को ये पावर दिया है हमें उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच के बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करें हमें हम हमें हमें हम, हम, जा हम जाने ही नहीं दे सकते इस अपॉर्चुनिटी को हम घर पे बैठ के तानिया प्रेग्नेंट थी तब उस टाइम पर हमारा छोटा सा घर था और बॉम्बे में घर डिस्टेंस नहीं था फोटोशूट का हमने एक मुझे याद है कबर्ड के पास एक वॉल को पेंट कर दिया था और तानिया लिटरली बैल्कनी बैल्कनी भी नहीं था फ्लावर बेड उसने उसमें खड़े होकर बेंड होके, होके फ़ोटो लेती थी बिकॉज प्रोडक्ट शूट नहीं होगा कस्टमर्स क्या खरीदेगा बट कस्टमर्स को मैं इतनी थैंकफुल हूँ बिकॉज हमने अपना जब स्टोरी सही से बोलो ना अपने आई थिंक ये हर बिजनेस को ये हर बिजनेस के लिए है हर ऑन्टरप्रिनर्स के लिए है कि जब आप, आप आपने कुछ किया है और आपकी स्टोरी आप सही से सच्चाई से बिल्कुल बोले आपके कस्टमर ज़रूर सुन सुनेंगे एंड वो जो ट्रस्ट होगा ना वो जो रिश्ता बनेगा एक ब्रांड का कस्टमर के साथ वो अनब्रेकेबल uh, है तो उस उस टाइम पे हमने एग्जैक्टली exactly बताया हमने शूट कैसे किया बिकॉज हमने एक्चुअली दोनों ने बैठ के पेंट भी नहीं था ना ख़रीदने के लिए हमने लिटरली वैक्स कलर से वॉल पेंट किया था तो सब हमने दिखाया जर्नी हमारा कि हमने ऐसे ऐसे किया है एंड इतने ऑर्डर्स आए कस्टमर्स के बिकॉज कस्टमर्स को तो पता नहीं था हम शिप करने वाले राइट right? कोविड का तो किसी को पता नहीं था बट जब हमारा लॉकडाउन खुला ना जैसे ही पता चला कि अब शिप कर सकते हो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे दो हज़ार इमेजिन कस्टमर्स इतने सारे कस्टमर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं जब शिप करने वाले बट उन्होंने मेक श्योर किया कि ऑर्डर आए एंड यही होता है बिजनेस का पावर ऑथेंटिसिटी और सही चीज़ सही से बोलना आपका व्यूज़ आगे रखना आ, हर बिजनेस के लिए आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है कोविड के बाद हमारा अठारह करोड़ से 33 करोड़ हुआ उसके बाद हर ईयर हमारा ग्रोथ बहुत ही अच्छा बहुत ही स्ट्रॉग रहा और लास्ट ईयर हमने सेवेंटी फाइव क्रॉर्स किया आ, अगले साल हमें बहुत बहुत मेहनत करना है और हमारा एम सौ करोड़ का नंबर हमें क्रॉस करना है uh, तो हमारा नंबर जब हम बोलते हैं रेवेन्यू का जब अभी मैंने बोला आपको पचहत्तर एंड सौ करोड़ uh, ये मीनिंग तभी बनेगा जब यू you नो know, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट uh, हमारे व्यवर्स एंड क्राफ्ट को जाएगा सो so, um, हम हम यही सोच रहे हैं कि हमारा सतरा सत्रह हज़ार का जो नंबर है uh, वो सत्रह हज़ार से बढ़ के लाखों तक पहुंच जाए बिकॉज हर विलेज में ना हर हर गांव में हर हर राज्य में एक एक ऐसे क्राफ्ट भी है ना जो ना सिर्फ एक ही घर को पता होता है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम वो क्राफ़्ट को ला सकें सूता में बिकॉज सूता ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है तो आ, उसके थ्रू एटलीस्ट वो आ, लोगों को पता चले कि ये एग्जिस्ट करता है सो ये आ, ये जो नंबर हम लोग बोलते हैं कि ये लाखों तक पहुँचना है लाखों व्यूअर्स तक पहुँचना है आ, मुझे ये मंच को थैंक यू बोलना है बिकॉज़ हम मैं सबको रिप्रजेंट कर रही हूँ उन महिलाओं को जो साड़ी पहनती हैं उन महिलाओं को जो साड़ी वीव करती है हमारी जो टीम है पूरी पूरी सबको मैं रिप्रेजेंट करके यहाँ पे आई हूँ एंड उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल